अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हामिद जमाल एक नई वीडियो के साथ। मेहरान रेडी कर रहे हैं हम, 2007/8 मॉडल है ये, और गाड़ी ऑलमोस्ट ओरिजिनल है। ये सील्स आप देख सकते हैं सारी, और ये इसके फ्रंट पिलर की सीलें वगैरह, ये इधर की सेल्स सारी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके जो फ्रंट मडगार्ड वगैरह थे ये बहुत गंदे थे, ये आप देख सकते हैं। इसमें सारे डेंट्स हैं और ये भरे हुए थे पुटीन से, और ये गोले इसके बिल्कुल वाजिया नहीं थे, तो मैं ये नए ले आया हूँ। अब ये हम ऐसे लगा रहे हैं, ये फुट बैरीज की नहीं लगेगी, और ऐसे समझ लें कि ये इसमें इतने कोई काम नहीं है, हैं माइनर से काम, लेकिन गाड़ी को एक दफ़ा दोबारा संभाला जा रहा है। ये देखें सारी, एक्सीडेंट नहीं है ये गाड़ी, अपने ओरिजिनल हालत में है। ये सारी एक पीस ये इसमें लगा हुआ है और एक पीस ये लगा हुआ है, बाकी इंजन बिल्कुल ठीक है, एसी का सारा सामान लगा हुआ है, एसी भी इंशाल्लाह करवाना है। सीट्स मैंने बनने के लिए दे दी हैं, छत इसकी ओरिजिनल है, कवर लगा हुआ है। इसी तरह से ये वाली साइड, वो परली साइड सारी ओरिजिनल है। अंदर आपको इसका फ़र्श दिखाता हूँ, ये इसका फ़र्श है बिल्कुल ओरिजिनल, बग़ैर चेंज हुआ, कहीं से कोई गला हुआ ख़राब। इसका डैशबोर्ड हो गया, सीट्स इसकी मैंने बननी दी हैं, ये दरवाजे की सीलें देखें, ये देखें जी, इसी तरह से ये सब कुछ। गंद है अंदर, मट्टी है, लेकिन गाड़ी गली हुई कहीं से नहीं है। ये देखें, इसी तरह से ये इसकी जड़फें वगैरह, ये स्टिकर, ये पिलर, इसके स्पॉट, ये कलर देख रहे हैं आप, ये सारे पिलर इसके ओरिजिनल हैं। ये कलम लगी हुई है इसे, इसी तरह से छत जो है ये भी इसकी जेन्युइन है, पेंट नहीं हुई। ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा इसके ठीक हैं। ये मडगार्ड इसका मैं कलर करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हैं डेंट्स इसमें। इसके अलावा इसका फ्रंट बोनट और दोनों फेंडर ये कलर होंगे, कंपाउंड पॉलिश होगी, और ये जो ये थोड़ा सा गंद वगैरह है ये सारा ठीक होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये दोस्तों देखें, इसका काम स्टार्ट कर दिया है, इसका फुटबोर्ड काटा है ये शाहजी ने, और इसके अंदर से माशाल्लाह आधी ट्राली जो है ना ये मिट्टी की निकली है। ये अब आप लोगों को मैं बताऊं, हम लोगों की मुझ समेत यही कमज़ोरी है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जी मेहरान गल गई है, मेहरान ख़राब हो गई है, मेहरान की बॉडी ठीक नहीं है। अब ये गाड़ी जिसके पास होगी, ये सारी गाड़ी ऊपर से ठीक पड़ी है, ओरिजिनल है, मकसद है कहीं कलम लगी हुई है, कहीं हल्का सा शावर है, मतलब ये 60-70% ओरिजिनल समझ लें, और 70% जो है ना आप 30% इसको आप समझ लें कि ये शावर है। अब जिस बंदे ने, मेरे भाई ने ये गाड़ी रखी हुई थी, उसको इतनी तौफीक नहीं होती कि मैं जाके हफ्ते में कुछ 250-300 रुपये भर के इसे सर्विस करवा के इसकी ये सारी चीज़ें वॉश करा लूँ। अब ये इस मिट्टी की वजह से इसके फर्श गलते हैं, जब ये बाहर वाली साइड गलती है तो अंदर वाली साइड गलती है, अंदर से गलना शुरू होता है तो फर्श नरम हो जाता है, फिर गाड़ी फारिग हो जाती है। अब इसका फॉल्ट ये शाहजी ने देखा है, इन्होंने कहा जी इसकी ये फुटबैरी हर सूरत में आप चेंज करो। अब ये अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है ठीक पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से गाड़ी बिल्कुल ठीक पड़ी है, ये भी इसका ठीक थे, लेकिन ये मट्टी अब आप देख लें इसके अंदर से ये निकले हैं। और इसी तरह से अब आपको मैं दिखाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बोनट हो गया, ये हमने इसके ऊपर फाइबर पुटीन लगाई है सारी, फाइबर के साथ इसे बना के फिर ऊपर ये लगी, अब इसके ऊपर डीको लगेगी, और आवाज़ अभी भी इसकी बेहतरीन है। इधर थोड़े से इसमें डेंट्स थे वो ठीक किए हैं, ये जोड़ देखें, ये यहाँ से
कल आपको मैंने दिखाया था यहाँ से ना, ये थोड़ा सा डैमेज था। ये तो ठीक है, जेन्युइन है, ये सील भी इसकी बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये जगह जो थी ये इसकी डैमेज थी। अब ये शाहजी ने इसको किया है सारा, ये पीस हमारे सारा जेन्युइन है। तो इसकी थोड़ी सी डेंटिंग होगी और ग्राइंडर लगेगा। इसी तरह से ये वाली साइड बिल्कुल ठीक है, और यहाँ इसकी यहाँ थोड़ी सी इसकी डेंटिंग है। ये इस गाड़ी में जनाब सारा काम है, और इंशाल्लाह ताला जब तैयार होगी फिर इसे सेल के लिए लगाऊंगा। ये मेरी ज़ाती गाड़ी है, किसी कस्टमर की नहीं है। इंशाल्लाह ताला अभी ये तैयार नहीं हुई, जब हो जाएगी फिर इसे सेल के लिए लगाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।